हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हिमाचल दर्पण के लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। अगर आपको ये हमारा वीडियो जो है वो पसंद आता है तो आप उसको लाइक भी जरूर करें, शेयर भी करें। हम पेज नंबर 40 पे हैं इस समय हिमाचल दर्पण के। हम 4.6 पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन, और उसका जो ये सब्जेक्टिव पार्ट का लास्ट वीडियो बनने जा रहा है। हमने जो है दसवां पॉइंट जो है वो 1920 के दशक की जो राष्ट्रीय आंदोलन की हिमाचल से रिलेटेड घटनाएं हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जो है वो 1920 में शुरू हो गया था। तो हिमाचल प्रदेश में भी वो उसी समय 1920 में जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, और शिमला के जो पहला प्रतिनिधि मंडल जो था 1921 में, वो कांग्रेस का जो था वो गठित किया गया 1921 में। देसी रियासत के शासकों ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल का गठन किया 1921 में। ये नरेंद्र मंडल मतलब जितने भी देसी रियासत के जो शासक थे उन्होंने आपस में मिलके जो है वो नरेंद्र मंडल का गठन किया। और ये क्वेश्चन जो है वो शायद 4.7 का जो है वो उसमें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में है। ये दिसंबर 1921 में इंग्लैंड के जो युवराज थे, प्रिंस ऑफ वेल्स, वो शिमला आए तो उनका विरोध किया गया। और लाला लाजपत राय को 1922 में लाहौर से लाकर धर्मशाला जेल में बंद किया है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि किस जेल में बंद थे लाला लाजपत राय, तो धर्मशाला जेल में बंद थे। वाइस राय जो लॉर्ड रीडिंग थे, 1925 में उन्होंने शिमला में सेंट्रल काउंसिल चैम्बर उसका उद्घाटन किया, और आज की जो विधानसभा है वो उसी भवन में बनी हुई है, सेंट्रल काउंसिल चैम्बर में। शिमला और कांग्रेस में जो है, शिमला और कांगड़ा में जो साइमन कमीशन का जो विरोध हो रहा था पूरे देश में 1928 में, तो वो विरोध जो है वो शिमला और कांगड़ा में भी किया गया 1928 में। इसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस के पुनर्गठन की, तो जो 1921 में जो कांग्रेस का गठन किया गया शिमला में, उसका 1929 में जो है वो दोबारा से पुनर्गठन किया, और बहुत सारे सदस्य जो है वो उसमें बढ़ गए, जैसे मौलवी गुलाम मोहम्मद, मोहम्मद उमर नुमानी, द्वारिका प्रसाद, सुंदरलाल, भगीरथ लाल, नंदलाल वर्मा, लाला गैंडा मल, दीनानाथ आंधी, रूपलाल मेहता, सालिग्राम, कन्हैया लाल, बहुत सारे हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको। ये जो है इन्होंने जो है कांग्रेस के कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके अतिरिक्त जो जुब्बल के भागमल सौटा थे, कोटगढ़ से सत्यानंद स्टोक, बुशहर के पदम पंडित पदमदेव, ठियोग से सूरत राम प्रकाश जो पहले प्रधानमंत्री भी बने, पालमपुर से कन्हैया लाल बुटेल, और कोटी से ठाकुर गौरीदत्त, कुनियार से बाबू कांशीराम आदि जो है वो उन्होंने भी जो है वो शिमला में आकर कांग्रेस के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो ये जो है ये बाद में जो है ये आप इनको अलग अलग आंदोलनों में भी देख सकते हैं। जो प्रजामंडल के आंदोलन है उसमें इन्होंने बहुत भाग बढ़ चढ़कर भाग लिया, और साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिया। बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में चलाया गया था, नमक कानून तोड़ा था। तो 27 फरवरी 1930 को गांधी जी ने जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की, ठीक है। बाद में डांडी मार्च भी किया गया, और अप्रैल में जो है वो नमक कानून तोड़ा गया था। तो शिमला और कांगड़ा के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया, जुलूस निकाले, बहुत सारे लोगों को जो क्रांतिकारी थे उनको पकड़ के जेल में भी भेजा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में शिमला के जो है लाला गैंडामल, नंदलाल वर्मा, लक्ष्मी देवी, कई बार महिलाओं का भी पूछ लेते हैं, लक्ष्मी देवी बहुत महत्वपूर्ण है, रूपलाल मेहता, सुंदरदास लखनपाल, सत्यवती खोसला, ये भी और महिला जो है क्रांतिकारी, द्वारिका प्रसाद, नवल किशोर, वासुदेव, दीनानाथ आंधी जो है इनको गिरफ्तार करके और कड़े कार्यवास की सजा दी गई। शिमला में ही 20 जुलाई तक 1930 में 494 क्रांतिकारी जो है वो पकड़े गए सत्याग्रही, और इनको अलग अलग जेलों में, चाहे वो अम्बाला थी, लुधियाना, मुल्तान, शिमला, लाहौर, मोंटगमरी, अमृतसर, ये सारी जेलों में भेजा गया। इसके अलावा कांगड़ा में अक्टूबर 1930 तक 700 सत्याग्रही जो है वो गिरफ्तार किए गए। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो हिमाचल में किस तरह उसने जोर पकड़ा। फिर बात करते हैं गांधी इरविन समझौता, क्योंकि 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद गांधी जी जो थे वो लंदन गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो लॉर्ड इरविन थे उस समय, 1931 में उन्होंने गांधी जी को शिमला बुलाया समझौते के लिए। उनके साथ जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम है ये, अबुल कलाम आजाद खान, अब्दुल गफ्फार खान, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर अंसारी, ये सारे थे। गांधी जी दोबारा आए 5 मई 1931 को, और उन्होंने रिज मैदान पर भाषण भी दिया था 1931 में, ये भी पूछ लेते हैं कई बार। और फिर से दोबारा से जो लॉर्ड इरविन गांधी समझौता था, गांधी इरविन समझौता, उस पर साइन करने के लिए फाइनली गांधी जी जो थे वो तीसरी बार 1931 में 25 अगस्त 1931 में आए,
और उनके साथ थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और प्रभाशंकर पट्टानी। तो 3 सितंबर, इसके अलावा फिर अगर हम बात करें आगे, 3 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, मतलब सितंबर में, 1 सितंबर को ही शुरू हो गया था, 1939 में शुरू हो गया था जब जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया था। तो कांग्रेस ने इसी काल में कांगड़ा और अन्य पहाड़ी क्षेत्र में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी जो है वो राजनीतिक सम्मेलन किए। कांगड़ा क्षेत्र के 60 और हमीरपुर में जो है वो 60, तो कांगड़ा में और हमीरपुर में 40 कांग्रेस कमेटियों का गठन किया गया। और जो अंग्रेजों ने इसको देखकर इनके खिलाफ जो है झूठे मुकदमे भी बनाए, गिरफ्तार भी किया गया, क्योंकि वर्ल्ड वार के टाइम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लागू कर दिया गया था और बहुत सारे सैनिक जो थे वो अंग्रेजों के पक्ष में जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है वो जर्मनी के खिलाफ लड़ने चले गए थे। और इस दौरान जो है 1939 में बाबा कांशीराम, बैसाखीराम, ब्रह्मानंद, इन सबको गिरफ्तार करके धर्मशाला जेल में रखा गया। और इसके अलावा नंदलाल वर्मा, दीनानाथ आंधी, मुंशी अहमदीन और हरिराम शर्मा, ये क्रांतिकारी जो है वो शिमला से पकड़े गए थे 1939 में। इनमें से नंदलाल वर्मा और हरिराम शर्मा को तो बिना शर्त छोड़ दिया गया और बाकियों को 6-6 महीने की जो है वो सजा हुई। तो ये गांधी इरविन समझौता, उसके बाद वर्ल्ड वार जो सेकंड था उस दौरान क्या हुआ वो है। इसके अलावा जो है 1937 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है गांधी जी ने शुरू किया था। तो 1937 में जो है वो 17 अक्टूबर को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है वो गांधी जी ने शुरू किया। तो शिमला में ये आंदोलन पंडित पद्मदेव और कांग्रेस के जो समय अध्यक्ष थे हिमाचल में श्यामलाल खन्ना, महामंत्री थे शालिग्राम शर्मा, तो ये सब लोग जो थे इन्होंने शुरू किया साथ ही साथ। और पहाड़ी सत्याग्रह का जो नारा था, न भाई दो न पाई दो, इसकी काफी गूंज उठी। बाद में पंडित पद्मदेव ने इस नारे को भाई दो ना पाई दो आंदोलन में बदल दिया गया था। अच्छा, ये याद रखना, ये शुरुआत हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, फिर ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आया व्यक्तिगत सत्याग्रह, और ये जो आंदोलन भारत छोड़ो में है उसमें काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ ये। तो जो है पंडित पद्मदेव ने उस समय जो है भाई दो ना पाई दो आंदोलन जो नारा था उसमें बदल के, उसके बाद गंज में जो जनसभा भी की और भाषण भी दिए। तो पंडित पद्मदेव को जो था वो पकड़ के कैथू जेल में भेज दिया गया, और 1.5 महीने की जो है बाद में 1.5 साल की, 18 मास, मतलब 1.5 साल की सजा देकर उन्हें लुधियाना और गुजरात के जेलों में जो है वो बंदी बना दिया गया। अगर नवंबर 1940 की बात करें तो कांगड़ा क्षेत्र में भी व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए जो कमेटियां बनाई गई, और इस कमेटी में थे ठाकुर, हजारा सिंह, परसराम, ब्रह्मानंद जो थे वो मेन थे। कांगड़ा जो शहर था वहां लाला मंगत राम जो थे वो प्रमुख थे। तो अन्य स्थानों पे भी जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुआ, गिरफ्तारियां हुई, और 1941 में भाई दो ना पाई नारा जो था वो एक तरह से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका था। और बाद में 1941 में गांधी जी ने ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था इसको स्थगित कर दिया, तो हिमाचल में भी और देश में भी ये जो है ये अपने आप ही समाप्त हो गया। अगर हम बात करें धामी गोलीकांड की, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, जो प्रजामंडल आंदोलन आएगा 4.7, तो यहाँ पे हम ब्रीफली देख लेते हैं। 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड हुआ, और 13 जुलाई 1939 को ये फैसला किया गया था शिमला हिल स्टेट, जो रियासती प्रजामंडल के नेता थे भागमल सोठा, उनके अध्यक्षता में जो धामी जो रियासती प्रजामंडल था उनके जो स्वयं सेवक थे उनकी बैठक हुई थी। और इस बैठक में जो थे धामी प्रेम प्रचारणी सभा, उस पे जो पाबंदी लगाई थी राणा ने उसको हटाने का अनुरोध किया गया, और काफी सारी मांगे भी रखी गई जिसे राणा ने मानने से मना कर दिया। 16 जुलाई 1939 को जो भागमल सोठा थे वो शिमला से धामी के लिए वो चले, तो उन्हें जो है बीच में ही घनाहट्टी में गिरफ्तार कर दिया गया। और जो राणा ने, फिर लोग जो थे वो भड़क गए और वो राणा के महल के पास गए, जो राजधानी थी हलोक चौक के पास, वहां जनता इकट्ठा हो गई। तो राणा ने घबरा कर जो है वो गोली चलाने के आदेश दे दिए, जिसमें 2 व्यक्ति मारे गए। तो महात्मा गांधी ने जो थे नेहरू, जो महात्मा गांधी की आज्ञा पे जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने फिर इसकी जांच के लिए दुनी चंद वकील को नियुक्त किया था। और भी लोग थे, हम आगे उसमें पढ़ लेंगे, जो हमारा 4.7 है। तो ये धामी गोलीकांड, ये पहला गोलीकांड था हिमाचल प्रदेश का। फिर बात करते हैं हम भारत छोड़ो आंदोलन की। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की कार्यकारिणी जो सभा थी वर्धा में हुई, और वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। ये इंडिया जीके का भी क्वेश्चन है। 8 अगस्त 1942 को जो है वो
बम्बई में जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। 9 अगस्त को तो पूरे देश में शुरू हो गया है भारत छोड़ो आंदोलन। तो कांगड़ा और जो बाकी जो पहाड़ी क्षेत्र थे वहां पे भी जो है अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा और भारत छोड़ो आंदोलन जो है, और साथ ही साथ उसके साथ जो भाई दो ना पाई दो का जो नारा था, वो दोनों साथ साथ जो है वो गूंजे। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन में शिमला में भागमल छोटा, हरिराम चौधरी, दीवान चंद, शालिग्राम शर्मा, नंदलाल वर्मा, तुफैल अहमद, ये सारे जो लोग थे, हरिचंद वगैरह जो है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे देश भर में गिरफ्तारियां हुई गांधी जी वगैरह उन 9 तारीख को, और पंजाब के जेलों में इनको बंद कर दिया गया। तो शिमला में जो राजकुमारी अमृत कौर है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया। और गांधी जी जब जेल में बंद हो गए तो उनकी जो पत्रिका थी हरिजन, उसका संपादन भी वो करती रही। इसके अलावा गांधी जी के समर्थन में कांगड़ा के जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी सत्याग्रह में भाग लिया। तो आंदोलन में भाग लेने वाले जो नेता थे, उसमें थे मंगत राम खन्ना, हेमराज सूद, कॉमरेड रामचंद्र, परसराम, सरला शर्मा, महिलाओं में इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, ब्रह्मानंद और अमरनाथ, ये सारे इम्पोर्टेंट थे। बाद में जो है वो 1944 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन भी उस समय काफी धीमा पड़ चुका था, और हिमाचल के साथ साथ जो नेता थे उन्हें भी 1944 में जो है वो गिरफ्तार कर दिया गया। तो बात करते हैं आगे वेबल प्लान की। 1945 में वेबल प्लान हुआ, ये इंडिया जेके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये इंडिया के हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी जो बैठक हुई थी वो शिमला में हुई थी, वाइस रीगल लॉज में। तो 14 मई 1945 को लंदन में जो भारत के सचिव थे M.L. Emery, तो उन्होंने पार्लियामेंट में जो है वो पार्लियामेंट मतलब जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी, वहां पे भारत के राजनीतिक हल के लिए एक योजना बनाई जिसे वेबल प्लान कहा जाता है। और जो उस समय के वाइस राय थे लॉर्ड वेबल, उन्हीं के नाम पे इसको वेबल प्लान कहा जाता है। तो उन्होंने जो भारत के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उस समय की, उनको 25 जून 1945 को शिमला में बातचीत के लिए बुलाया। तो क्योंकि गांधी जी तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, वो उन्होंने तो 1934 में ही कांग्रेस छोड़ दी थी। तो इसमें कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद उस समय, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजा गोपालाचारी, खान अब्दुल गफ्फार खान, आचार्य कृपलानी, गोविंद वल्लभ पंत, पट्टाभि सीतारामैया, शंकर देव, जयदास दौलतराम, रविशंकर शुक्ला, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, भोला भाई देसाई, आसिफ अली, अरुण आसिफ और मीराबेन, ये सारे जो कांग्रेस के नेता थे वो भी शिमला आए। और साथ ही साथ गांधी जी भी आए शिमला। और वो उन जो वो फिर कहाँ रुके थे, राजकुमारी अमृत कौर के निवास जो मनोर विला में, वहां रुके थे ये। 25 जून 1945 को वाइस राय ने वाइस रीगल लॉज, जिसे आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भी कहा जाता है, वहां पे, या राष्ट्रपति निवास भी कहा जाता है, वहां 21 प्रतिनिधियों को बुलाया भाग लेने के लिए। तो उसमें कांग्रेस के तो थे ही, गांधी जी भी थे, साथ ही साथ मुस्लिम लीग के जो थे वो मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। तो सम्मेलन एक तरह से चला, कई दिनों तक चला, पर आखिर में 14 जुलाई को सम्मेलन समाप्त हो गया क्योंकि दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कोई समझौता नहीं हो सका। तो एक तरह से असफल रहा ये वेवल प्लान। फिर हम बात करते हैं अंतरिम सरकार के गठन की। आपको पता ही है 1946 में जो ब्रिटेन थी, बर्तानिया उर्दू भाषा में का शब्द है, तो ब्रिटेन में जो है कैबिनेट मिशन के जो नेताओं ने वो जो है उससे भारतीय नेताओं ने जो है कैबिनेट मिशन से बात की, और शिमला में 5 से 12 मई तक जो है ये बातचीत होती रही। लॉर्ड वेवल थे उसमें और कैबिनेट मिशन की बैठकें हुई। मुस्लिम लीग ने शुरू में अंतरिम सरकार में भाग नहीं लिया, लेकिन जो अंतरिम सरकार है उसका गठन किया गया, कांग्रेस से ही गठन किया गया। और अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू बने थे। और बाद में जो है 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस ने अंतरिम सरकार बनाई, नेहरू उसके प्रधानमंत्री बने। और बाद में मुस्लिम लीग भी जो है वो अक्टूबर में जो है वो उसमें शामिल हो गई थी। तो ये हमने जो है 4 पार्ट में जो है ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ा, जिसमें कृषक आंदोलन, जन आंदोलन भी था और जो स्वतंत्रता आंदोलन था। जो नेक्स्ट वीडियो होगा, इसका लास्ट वीडियो है 4.6 का, इसमें हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे हमें को थोड़ी और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। धन्यवाद।